Good morning class, this is our new anaphysio class in which today we will study about the remaining part of summary of cardiovascular system. क्योंकि हमने अपनी लास्ट क्लास में भी वो समराइज ही किया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, आज भी अपन उससे वीएस की जो रिमेनिंग समरी है वो पढ़ लेते हैं. जैसे कार्डिक वॉल्व्स एंड देयर फंक्शंस पढ़ लें, क्योंकि लास्ट क्लास में एट्रिया हो गया था, वेंट्रिकल हो गया था, आर्टरीज हो गई थी, वेन्स हो गई थी, तो अब बचे वॉल्व्स. तो ह्यूमन हार्ट के अंदर चार वॉल्व्स होते हैं, दो तो एवी वॉल्व्स और दो सेमी ल्यूनार वॉल्व्स. एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स जो हैं वो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं, जैसा नाम से पता चल रहा है. इसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व और माइट्रल वॉल्व. ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, जबकि माइट्रल या ट्राइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है. माइट्रल तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में. और जो दो सेमी ल्यूनर वॉल्व है उसमें पहला एओर्टिक वॉल्व जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में पाया जाता है, और दूसरा पल्मोनरी वॉल्व जो कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में पाया जाता है. ये कार्डियक वॉल्व की फंक्शनिंग क्या है? कार्डियक वॉल्व जो है वो ब्लड को अलाउ करता है कि वो एक ही डायरेक्शन में पास हो, रिवर्स डायरेक्शन उसका ना चल सके. सिंगल डायरेक्शन यानी वन वे पाथवे जो है ये बनाता है. इसमें जो एवी वॉल्व है वो ब्लड को अलाउड करते हैं कि वो एट्रिया से पास होकर के वेंट्रिकल में जाए वेंट्रिकुलर डायस्टॉल के दौरान, और इस और वेंट्रिकुलर सिस्टॉल के दौरान एवी वॉल्व जो है वो बंद हो जाते हैं और ब्लड के बैक फ्लो को जो है वो रोकते हैं, यानी वेंट्रिकल से एट्रिया के अंदर वापस ब्लड नहीं जाता, तो ब्लड केवल एट्रिया से वेंट्रिकल के बीच में ही जा पाता है, यानी ये वन वे है. दूसरा सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो ब्लड को अलाउ करता है कि वो वेंट्रिकल से आर्टरीज में पास हो वेंट्रिकुलर सिस्टॉल के दौरान. तो सिस्टॉल के दौरान सेमी ल्यूनर वॉल्व की फंक्शनिंग चल रही होती है, और वेंट्रिकुलर डायस्टॉल के दौरान एवी वॉल्व एक्टिव होते हैं. वेंट्रिकुलर डायस्टॉल के दौरान ये वॉल्व जो है वो वापस वही बैक फ्लो को रोकेंगे कि आर्टरी से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, क्योंकि ये वॉल्व जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टॉल के दौरान. अब हमें नोट करना चाहिए कि जो वॉल्व्स का ये खुलना और बंद होना है ये डिपेंड करता है ब्लड के प्रेशर ग्रेडियंट पे. वॉल्व्स के दोनों साइड जो ब्लड है उसका प्रेशर ग्रेडियंट क्या है उसके बेसिस पर ये वॉल्व खुलते और बंद होते हैं. जैसे कि एवी वॉल्व, जब एट्रियल प्रेशर हाई हो जाता है वेंट्रिकुलर प्रेशर के कंपैरिजन में तब एवी वॉल्व खुलते हैं, और जब वेंट्रिकुलर प्रेशर हाई हो जाता है एट्रियल प्रेशर के कंपैरिजन में तो ये एवी वॉल्व बंद हो जाते हैं. तो प्रेशर ग्रेडियंट में डिपेंड कर रहा है. जबकि सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो वेंट्रिकुलर प्रेशर अगर हाई है एट्रियल प्रेशर के कंपैरिजन में तो ये खुलेगा, और जब आर्टरियल प्रेशर हायर हो जाएगा वेंट्रिकुलर प्रेशर के कंपैरिजन में तो ये वॉल्व बंद हो जाता है. तो ये खुलना और बंद होने की मैकेनिज्म है वॉल्व की. अब आ जाइए राइट वेंट्रिकल के ऊपर. राइट वेंट्रिकल पंप करता है रिलेटिवली लार्ज वॉल्यूम का ब्लड लो प्रेशर पे पल्मोनरी सर्कुलेशन के दौरान. क्या कह रहे अपन? राइट वेंट्रिकल लो प्रेशर पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप करेगा पल्मोनरी सर्कुलेशन के द्वारा. राइट वेंट्रिकल एसेंशियली फ्लो जनरेटर होता है. नॉर्मल क्रॉस सेक्शन अगर आप राइट वेंट्रिकल का देखेंगे तो एक क्रेसेंट शेप का दिखाई देगा. अगर राइट वेंट्रिकल ब्लड को इजेक्ट करता है प्रेशर ग्रेडियंट के अगेंस्ट में लंबे समय तक, तो ऐसा सिर्फ आपको पल्मोनरी डिजीज़ के केस में देखने को मिलेगा. अगर किसी पर्सन में लंग की कोई डिजीज़ हो गई है तो राइट वेंट्रिकल ब्लड को प्रेशर ग्रेडियंट के अगेंस्ट में लंबे समय तक पंप करता रहता है. इट एज्यूम्स अ मच मोर सिलेंड्रिकल अपेयरेंस. उस समय ये सिलेंड्रिकल दिखाई दे रहा होता है. हम कह रहे हैं नॉर्मल तो आप राइट वेंट्रिकल को देखोगे तो क्रेसेंट शेप का दिखाई देता है, पर ऐसी डिजीज की कंडीशन में सिलेंड्रिकल दिखाई देगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल की जो फ्री वॉल्व है वो थिकेंड हो जाती है, वो मोटी हो जाती है.
जिसको अपन कहते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है साइज का बढ़ जाना, सेल की साइज का बढ़ जाना हाइपरट्रॉफी कहलाता है। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से राइट वेंट्रिकुलर की वॉल जो है वो मोटी हो जाती है, और इसी वजह से वो पार्ट आपको सिलेंड्रिकल अपीयरेंस देने लग जाता है। जबकि नॉर्मल केस में ऊपर सेकंड पॉइंट में हम बोल रहे हैं कि राइट वेंट्रिकल के क्रॉस सेक्शन में आप देखोगे तो ये क्रिसेंट शेप का दिखाई देता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल की बात अपन करें तो ये ब्लड को पंप करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के द्वारा, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, नॉर्मली इसकी थिक वॉल होती है राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में। ये लेफ्ट वेंट्रिकल वर्क करता है ज़्यादा हार्डली वर्क करता है राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका हाई प्रेशर होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और राइट वेंट्रिकल जो है एसेंशियली यहाँ पे प्रेशर जनरेटर का काम कर रहा है। कॉन्सिक्वेंटली लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ज़्यादा कॉमनली अफेक्ट होता है किसी डिजीज से राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में, राइट वेंट्रिकल कंपैरिजन में डिजीज से ग्रस्त होने की जो टेंडेंसी है वो मोर कॉमनली लेफ्ट वेंट्रिकल में पाई जाती है। अब हार्ट से ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है, वेंट्रिकल सिस्टॉल के दौरान ब्लड जो है वो सर्कुलेशन में पंप होता है, और डायस्टॉल के दौरान ये ब्लड पंप होता है, इसके ब्लड की जो पंपिंग होती है वो रुक जाती है, और वेंट्रिकल जो होता है वो ब्लड से भर जाता है। तो सिस्टॉल के दौरान ये सर्कुलेशन पंप करता है, और डायस्टॉल के दौरान पंपिंग रुक जाती है और उसके अंदर ब्लड भर जाएगा। इस तरह से ब्लड जो है वो फ्लो होता है वेंट्रिकल से सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन में, इंटरमिटेंट पल्सेटाइल फ्लो अपन इसको बोलते हैं, इंटरमिटेंट पल्सेटाइल फ्लो। अब हार्ट रेट जो है उसको न्यूरल कंट्रोल कर रहा होता है, ये हमने पढ़ लिया था, नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को ही खैर नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा है, अपन रेस्पिरेशन में भी यही चीज़ पढ़ेंगे। कार्डियक सिंपैथेटिक एफरेंट एक्टिविटी जो है वो हार्ट रेट के दौरान बढ़ जाती है, जबकि पैरासिंपैथेटिक यानी वेगल एफरेंट इम्पल्सेस जो होते हैं वो हार्ट रेट को डिक्रीज करती है। क्या कह रहे हैं अपन, कार्डिक सिंपैथेटिक एफरेंट एक्टिविटी तो हार्ट रेट को बढ़ाती है और पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी हार्ट रेट को घटाती है। नॉर्मल एडल्ट का हार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली और रेगुलरली बीट करता रहता है 75 बीट्स पर मिनट की दर से ड्यूरिंग रेस्ट। नॉर्मल रेंज हार्ट की 60 से 100 होती है, 60 से 100 नॉर्मल है, और एकदम आराम रिलैक्स के जब आप कंडीशन में तो 75 बीट्स पर मिनट नॉर्मल इसकी नॉर्मल जो है हार्ट बीट चलती है। स्ट्रोक वॉल्यूम हर वेंट्रिकल पे एवरेज 70 ml का ब्लड, और नॉर्मल हार्ट रेट अप्रॉक्सीमेटली 70 से 75 बीट्स पर मिनट, इसलिए आप कार्डियक आउटपुट कह सकते हैं रेस्ट के समय पर लगभग 5 लीटर पर मिनट होता है CO, 5 लीटर पर मिनट। यह ब्लड फ्लो हार्ट से हो रहा है। वीना कैवा जो कि 3.0 सेंटीमीटर की है, एओर्टा 2.5 सेंटीमीटर की, ये ब्लड को फ्लो कर रही है, ब्लड फ्लो रेगुलेट हो रहा है, अलग अलग उस बॉडी पार्ट्स में देखो जा रहा है। एंडोथेलियल सेल्स कैपिलरी जो कि 6 माइक्रोमीटर की होती है, आर्टरीज 30 माइक्रोमीटर की होती है, स्मूथ मसल्स के आर्टरियोल्स एक्चुअली 30 माइक्रोमीटर्स के बताए गए हैं, आर्टरीज 0.5 सेंटीमीटर, ये इनके डायमीटर्स वगैरह बताए गए हैं। ये ब्लड वेसल्स, ये हमने अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ लिया था, आर्टरीज और वेन्स अपनी छोटी ब्रांचेज जिसको अपन आर्टरियल और वेन्यूल्स कह रहे हैं वो कनेक्ट हो रही कैपिलरी से जो कि बहुत थिन होती हैं, अंदर की तरफ एंडोथीलियम की लेयर कैपिलरी के अंदर ऊपर दिखाया गया एरो करके एंडोथीलियम की लेयर बताई गई है। ऐसे ही इसके अंदर आर्टरीज में कनेक्टिव टिश्यू के अंदर स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स के अंदर एंडोथीलियम की लेयर, और एंडोथीलियम में कैपिलरीज में एंडोथीलियम, और उसके बाहर क्या पाए जाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, दो ही चीज़ें होती है। ऐसे ही वेन्स के अंदर भी पतली सी कनेक्टिव टिश्यू, पतली सी स्मूथ मसल्स, देखिए स्मूथ मसल्स आर्टरीज में काफ़ी मोटी है, वेन्स में पतली है, और अंदर की तरफ एंडोथीलियम लेयर है, और प्लस वॉल्व भी होते हैं। वेन्यूल्स के अंदर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, मैंने आपको कहा था कि आर्टरीज और वेन्स के अंदर आप डिफरेंस लिख करके मेरे को दीजिए, मुझ तक पहुँचे नहीं है अभी तक आपके उस क्वेश्चन का आंसर, मेरे पास पहुँच जाना चाहिए इस क्लास के एंड तक। आर्टरीज और वेंस में एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों डिफरेंस अच्छे से लिख करके बताइए, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ब्लड वेसल्स हमने कहा इलास्टिक वेसल्स होती हैं, ये लो रेजिस्टेंस की और हाई रेजिस्टेंस की वेसल्स भी होते हैं, एक्सचेंज वेसल्स भी होते हैं, कैपेसिटेंस वेसल्स भी होती हैं, 5 तरह की वेसल्स होती हैं।
ये फिर इनको बताया गया अच्छे से आर्टरीज और वेन्स को, आगे की ब्रांचेस आर्ट्रियल्स और वेन्यूल्स है, कैपिलरी से जुड़ रही हैं, मेटा आर्ट्रियल बड़ी वाली जो आर्ट्रियल्स है मेटा आर्ट्रियल, ये एट्रियो वीनस बाईपास दिखाया गया है, ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स बताए गए हैं यहाँ पर साइड में देखो जो जुड़े हुए हैं, ये स्मूथ वेन्यूल्स उनकी कैपिलरीज, बस ये थोड़ा एलैबोरेट करके डायग्राम बताया गया है ब्लड प्रेशर के साथ में 32 mmHg किसके अंदर आर्टरियल एंड ऑफ कैपिलरीज बताई गई हैं उसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर 22 mmHg है, नेट प्रेशर आउटपुट 10 mmHg का, ऑस्मोटिक प्रेशर जो बाहर से अंदर की तरफ लग रहा है, हाई ब्लड प्रेशर जिसको अपन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं वो अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है, HP अंदर से बाहर और OP बाहर से अंदर, ये क्या बताया गया ब्लड वेसल बताई गई है, ये टिश्यू सेल से ऊपर नीचे उसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूड भरा हुआ है, टिश्यू सेल्स और इंटरस्टिशियल फ्लूड और ये ब्लड वेसल से जो उसको जोड़ रही हैं, फिर इधर ऑस्मोटिक प्रेशर 20 mmHg और ये ब्लड प्रेशर यहाँ पे कम हो गया 15 mmHg, तो देखिए ब्लड प्रेशर जब बढ़ गया है तो एरो को काफ़ी ब्रॉड करके बताया गया है 32 mmHg, और यहाँ जब BP कम हो गया है तो 15 mmHg तो पतला एरो है उसको समझने की कोशिश करिए, OP सिमिलर है तो एरो दोनों सिमिलर है कोई चेंज नहीं हुआ उनके विड्थ में, 20 mmHg बताया गया है, नेट प्रेशर यहाँ पे -7 mmHg हो गया, वीनस ऑफ एंड ऑफ कैपिलरी पे दिखाई गई है ये चीज़, तो आर्टरी सैर वीनस एंड पे कम हो रहा है वो चीज़ बताई गई है। अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जैसे ब्लड फ्लो होता है आर्टरियल से वीनस साइड में सर्कुलेशन के, तो ये रेजिस्टेंस पे मीट होता है, मीट्स रेजिस्टेंस, वहाँ रेजिस्टेंस आता है क्योंकि स्मॉलर कैलिबर है वेसल्स का और ब्लड का जो है वो विस्कस नेचर होता है, ये बीच में हमने कहा कि भाई रेजिस्टेंस आया है जब आर्टरीज से आर्टरियल से वीनस साइड सर्कुलेशन ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस आता है क्योंकि ब्लड वेसल का कैलिबर कम होता है और ब्लड का नेचर विस्कस होता है, इसी पॉइंट को अपन पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं, यही पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है, बीच में रुकावट आ रही है थोड़ी, रुकावट क्यों आ रही है क्योंकि वेसल का जो क्षमता है वेसल की वो कम है और ब्लड का नेचर जो है वो विस्कस टाइप का है तो थोड़ी देर के लिए रुकावट आ रही है उसको अपन पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आर्टरियल ब्लड प्रेशर को जनरेट और मेंटेन करने में रोल प्ले करता है, आर्टरी ब्लड प्रेशर कैसे जनरेट मेंटेन होता है इसी फैक्टर के द्वारा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है स्मॉल वेसल्स का उस समय बढ़ जाएगा, वो बढ़ा देता है उस दौरान इस पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, पेरिफेरल रेजिस्टेंस किसकी वजह से बढ़ रहा है स्मॉल वेसल के वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन द्वारा जो कि एलिवेट करता है आर्टरी ब्लड प्रेशर को, जबकि वैसो डायलेशन जो है वो प्रेशर को लो कर देता है रेजिस्टेंस को लो कर देता है, तो आर्टरियल बढ़ा रहा है वैसोडाइलेशन कम कर रहा है, आर्टरियल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वैसोडाइलेशन दो पॉइंट्स बोले, स्मॉल वेसल्स का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है और वैसोडाइलेशन पेरिफेरल रेजिस्टेंस को पेरिफेरल प्रेशर को कम कर रहा है, ये कैसे वेसल्स के अंदर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो बताया गया है, सिस्टम में लार्ज आर्टरीज में स्मॉलर आर्टरीज में देखो ये ब्लू और ग्रीन जो है वो ब्लू इलास्टिक टिश्यू को और ग्रीन जो है वो मसल्स को इंडिकेट कर रहा है, तो कैसे प्रेशर चेंज हो रहा है आप इस डायग्राम को थोड़ा सा खुद से ध्यान से बैठ करके देखेंगे तो मीन प्रेशर कम होता हुआ आपको खुद को समझ में आएगा, लार्ज आर्टरी स्मॉल आर्टरीज आर्टरियल्स कैपिलरीज वेन्यूल्स और वेन्स के अंदर देखो मसल्स और इलास्टिक टिश्यू में कैसे प्रेशर चेंज हो रहा है वो बताया गया है, ये वैस्कुलर सिस्टम में प्रेशर को ड्रॉप होते हुए बताया गया है, सिस्टोलिक प्रेशर है लेफ़्ट वेंट्रिकल से 120 तक बढ़ रहा है आर्टरीज़ के अंदर, फिर ये 80 से 120 बताया गया है पल्स प्रेशर, फिर ये मीन प्रेशर आर्टरियल्स कैपिलरीज के अंदर जा रहा है वेन्यूल्स और वेन्स और राइट एट्रियम में स्मूथली ये चल रहा है। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल हम बार बार बोल रहे हैं ज़्यादा मोटी होती है 15 mm की होती है, राइट वेंट्रिकल की वॉल की कंपेरिजन में जो केवल 5 mm की होती है, हालांकि इसकी जो कैपेसिटीज़ होती है और आउटपुट्स जो होता है दोनों वेंट्रिकल्स का हमेशा इक्वल होता है, चाहे इनकी वॉल की थिकनेस कम ज़्यादा है पर इनका जो आउटपुट है वो हमेशा इक्वल होगा, वेंट्रिकल वॉल की जो थिकनेस है वो वेंट्रिकल्स पर प्रेशर लोड को बताती है दर्शाती है, ये प्रेशर लोड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल पर एओर्टिक प्रेशर वो ज़्यादा होता है राइट वेंट्रिकल के प्रेशर लोड के कंपैरिजन में, यानी पल्मोनरी आर्टरियल प्रेशर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा होता है।
अब हार्ट साउंड के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लें। हार्ट साउंड काफ़ी नॉइज़ होता है जो जनरेट होता है हार्ट के बीट होने से, और एंड द रिजल्टेंट फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू इट। जो हार्ट बीट हो रहा है उससे जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके रिजल्ट के कंपैरिजन में हार्ट का जो साउंड है वो काफ़ी नॉइज़ आपको सुनाई दे रहा होता है। स्पेसिफिकली ये जो साउंड है वो टर्बुलेंस को रिफ्लेक्ट करता है जो कि क्रिएट हो रहा है जब हार्ट वॉल्व स्नैपशॉट होता है। जब हार्ट वॉल्व का स्नैपशॉट होता है उस वक्त ये टर्बुलेंस क्रिएट होता है, हार्ट साउंड को रिफ्लेक्ट करता है। कार्डिक ऑस्कल्टेशन में जो एग्जामिनर होता है वो स्टेथोस्कोप को यूज़ करता है। भाई देखा है चाहे आप नर्सिंग फील्ड में हो चाहे डॉक्टर्स हों, जब क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आप भी ये चीज़ करेंगे, हार्ट साउंड वगैरह देखेंगे। आप जीएनएम के स्टूडेंट नहीं हैं, आपका भी ये काम है, तो आप स्टेथोस्कोप को यूज़ करके कार्डिक ऑस्कल्टेशन में एग्जामिन कर रहे होते हो, सुन रहे होते हो, तो एक यूनिक डिस्टिंक्ट साउंड आपको सुनाई दे रही होती है जो कि ज़्यादा अच्छा ऑडिटरी डेटा आपको देती है हार्ट की कंडीशन के बारे में कि हार्ट की अभी इस समय कैसी कंडीशन है। एडल्ट हेल्दी हार्ट जो है वो नॉर्मल दो साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको अपन लब डब या डप कहते हैं, डब और डप भी कहा जाता है, दोनों एक ही बात है, जो कि एक सीक्वेंस में सुनाई देता है हर हार्ट बीट पे। फर्स्ट हार्ट साउंड S1 और सेकेंड हार्ट साउंड S2 प्रोड्यूस होता है जब AV वॉल्व और सेमी लूनर वॉल्व क्लोज होते हैं। तो AV वॉल्व क्लोज होएगा तो S1 साउंड सुनाई देगा, और सेमी लूनर वॉल्व जब क्लोज होएगा तो आपको S2 साउंड रेस्पेक्टिवली सुनाई देगा। अब ब्लड के फंक्शंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो भाई ब्लड केवल एक लिक्विड टिश्यू है बॉडी का एकमात्र लिक्विड टिश्यू ब्लड है। ये एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कुछ एलिमेंट्स से मिलकर के बना है, उन एलिमेंट्स में सेल्स और सेल के फ्रेगमेंट्स आते हैं। ये लिक्विड इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा में ये सेल्स पाए जाते हैं, तो एलिमेंट्स में सेल्स और मैट्रिक्स आता है। एवरेज एडल्ट ब्लड का वॉल्यूम 5 लीटर होता है यानी आपके टोटल बॉडी वेट का 8%। ब्लड का फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेशन प्रोटेक्शन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड न्यूट्रिएंट कंटेनिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, और CO2 और वेस्ट कंटेनिंग ब्लड को सेल से दूर लेकर के जाता है, और हॉर्मोन्स वगैरह को भी टारगेट टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा इसका फंक्शन है रेगुलेशन का, जिसमें ये बॉडी टेम्परेचर pH वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लेवल को मेंटेन रखता है। थर्ड फंक्शन है प्रोटेक्शन, क्लॉटिंग जो है फ्लूड लॉस को रोकने के काम आते हैं। भाई कोई इंजरी हो गई, कोई हैमरेज हो गया तो ब्लड लॉस ना हो, तो उसके लिए ब्लड क्लॉटिंग चलता है जो आपकी ब्लड का ही फंक्शन है। इसके अलावा ब्लड में WBCs पाई जाती हैं जो आपको डिजीज़ के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देती है, आपकी इम्यूनिटी को बना रही होती है। बस ख़त्म इसके साथ आपका ये हार्ट या आपका CVS। यहाँ पे आई थिंक आपको पूरा CVS अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया है। आपका असाइनमेंट CVS का ये रहेगा कि CVS में जितने भी पुराने साल में कोई क्वेश्चंस आए जो मैंने आपको नहीं करवाए हैं तो एक तो वो आप मेरे को दीजिए, और दूसरा जितने भी क्वेश्चंस आए हैं और मैंने करवा दिए हैं वो अपनी ओन हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखिए, जो मैंने आपको अलग से कॉपी बनवाई है उस कॉपी में लिखिए, उसकी फ़ोटो क्लिक करिए और अपने CR को व्हाट्सअप कर दीजिए, तो मुझ तक पहुंच जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आपकी अटेंडेंस दूंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी।